Welcome to Studygo with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी, उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20A ऑफ IPC। चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है जो की है सेक्शन 498A, और ये सेक्शन डील करता है और ये चैप्टर भी डील करता है किस चीज़ से कि भाई अगर हस्बैंड या फिर हस्बैंड की जो रिलेटिव हैं वो हस्बैंड की जो वाइफ है उसके साथ अगर क्या करते हैं, क्रुएलिटी करते हैं, तो वो यहाँ पर पनिशेबल होंगे सेक्शन 498A ऑफ IPC के तहत। ये चैप्टर और ये सेक्शन ये दोनों ही एक साथ इंसर्ट किए गए थे बाय दी अमेंडमेंट एक्ट 1983 में इनको IPC में इंसर्ट किया गया था, और इसी अमेंडमेंट के तहत इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 113A इंसर्ट किया गया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 498A ऑफ IPC की, जैसे कि बेयर एक्ट में लिखा है, तो यहाँ पर कहा गया है इस सेक्शन में कि भाई जो कोई भी महिला का हस्बैंड या फिर महिला के हस्बैंड का रिलेटिव होते हुए क्या करता है, ऐसी महिला को क्रुएलिटी मतलब निर्दयता के अधीन रखता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर सेक्शन 498A ऑफ IPC के तहत पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 3 साल तक, एंड वो यहाँ पर फाइन देने के लिए भी लायबल होगा जो कोई ऐसा करेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है। एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है इस सेक्शन में, इसमें बताया गया है कि सेक्शन 498A ऑफ IPC के तहत क्रुएलिटी का मतलब क्या है। क्रुएलिटी का मतलब है कि भाई विलफुली कोई ऐसा कंडक्ट आप करें, जानबूझकर कोई ऐसा आचरण करना जिससे कि क्या हो, जो महिला है वो सुसाइड कमिट करने के लिए क्या हो, इंड्यूस हो, महिला आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो। भाई लाइक जैसे कि महिला से ऐसा बोला जा रहा है कि भाई जब से तू हमारे घर में आई है, हमारे घर की लक्ष्मी चली गई, हमारे लड़के का कारोबार खत्म हो गया, तूने आके हमारे घर का जो लक है वो खराब कर दिया, मतलब तू बहुत ही मनहूस है, तेरा जो लक है वो बिल्कुल है ही नहीं, मतलब तेरी किस्मत बिल्कुल खराब है, तेरे जब से कदम हमारे घर पे पड़े हैं हमारे घर की लक्ष्मी भाग गई, मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं महिला को। तो मतलब इस तरीके से अगर महिला को बोल रहे हैं, ऐसा आचरण वो कर रहे हैं जिससे महिला क्या हो रही है, आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित हो रही है, तो ये चीज़ जो किया जा रही है, जो कंडक्ट किया जा रहा है, ये क्रुएलिटी की कैटेगरी में आएगा, या फिर महिला की जो लाइफ है, जो जीवन है, महिला का जो लिम्ब है, मतलब जो उसके बॉडी का कोई भी पार्ट है, या फिर महिला की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, या फिर फिजिकल हेल्थ हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसको अगर ग्रेव इंजरी या फिर डेंजर कॉज होने की संभावना हो, मतलब इस तरीके से आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होने की संभावना है, तो भाई वो कंडक्ट जिसके द्वारा ऐसा ग्रेव इंजरी होने की या फिर डेंजर होने की संभावना है, वो कंडक्ट जो हस्बैंड के द्वारा किया जा रहा है या फिर हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा किया जा रहा है महिला के प्रति, वो कंडक्ट भी क्रुएलिटी की कैटेगरी में आएगा। एक केस था अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1939 का केस है। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि जो हस्बैंड है वो देर रात को आता है रोज घर पे, दारू पीकर आता है, फिर उसके बाद वो अपनी पत्नी की पिटाई करता है, उसको मारता है, तो इस चीज को क्रुएलिटी कहेंगे। लेकिन अगर हस्बैंड रोज रात को देर में आता है घर पे, दारू पीकर आता है, बट अपनी वाइफ को मारता पीटता नहीं है, तो इस चीज को क्रुएलिटी नहीं कहेंगे। ये बात हेल्ड हुई थी जगदीश चुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1988 के केस में। या फिर महिला से या फिर महिला का कोई संबंधित व्यक्ति है, लाइक महिला के पापा हैं, या फिर महिला की मम्मी है, या फिर महिला के भाई है, या फिर बहन है, उनसे किसी तरह की वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कोई प्रॉपर्टी की अनलॉफुल डिमांड करना, और इस चीज के लिए महिला को तंग करना, ये क्या है, ये क्रुएलिटी है। या फिर ऐसा होता है कि भाई जिस वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर जिस प्रॉपर्टी के लिए अनलॉफुल डिमांड की गई थी हस्बैंड के द्वारा या फिर हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा, उसको पूरा करने में महिला या फिर महिला का कोई पर्सन जो है, महिला से संबंधित जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसके पापा या उसकी मम्मी या फिर उसका भाई या फिर उसकी बहन, वो अगर उस डिमांड को पूरा करने में फेल हो जाते हैं, तो तब उस महिला को हैरेस करना, तंग करना, तो ये होता है क्रुएलिटी। लाइक जैसे कि महिला का जो हस्बैंड है वो उसको बोलता है कि भाई तू अपने मायके से कुछ भी नहीं लाई,
ठीक है, या फिर महिला की जो सास है वो उसको बोलती है कि भाई हमारे पड़ोस में नई नई बहू आई है और भाई वो तो अपने दहेज में इतना सारा सारा सामान लाई है, और एक हमारी बहू है भाई अपने घर से एक फूटी कौड़ी नहीं लाई, चवन्नी भी नहीं लाई, मतलब इस तरीके से परेशान कर रहे, उसको बार बार टोंट मारते रहते हैं महिला को। मतलब यहाँ पर दहेज की मांग के साथ साथ अगर उसको हेरासमेंट किया जाता है, उसको तंग किया जाता है, तो तब ये क्रुएलिटी की कैटेगरी में फॉल होता है, क्योंकि दहेज की मांग करना अपने आप में एक ऑफेंस है। बट दहेज की मांग करने के साथ साथ अगर हरासमेंट किया जाता है तो वो सेक्शन 498A के तहत क्रुएलिटी है और सेक्शन 498A के तहत पनिशेबल है। एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बात सही है या नहीं कि जो एक शरीफ आदमी होता है उसी की वॉट लगती है वही पिसता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक शरीफ लड़की की शादी हो गई ऐसे ससुराल में जो कि बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही सेल्फिश टाइप हैं, तो यहाँ पर बेचारी इसकी वॉट लगेगी। अब अगर इसका उल्टा हो जाए कि एक शरीफ फैमिली में एक चालाक बहू चली गई तो अब बेचारी फैमिली की वॉट लगेगी। लाइक वो कहेगी उनसे कि भाई अगर आप लोगों ने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना तो भाई तुम्हारे ऊपर लगा दूंगी सेक्शन 498A। पति का जो भाई है, पति की जो बहन है, पति की जो माँ है, पति का जो बाप है, उसको बोलती है कि भाई सबको एक एक को अंदर करवा दूंगी। तो मतलब इस तरीके से टॉर्चर भी किया जाता है, कुछ महिलाएं अपने ससुराल वालों को टॉर्चर भी करती हैं, ठीक है। तो मतलब इस सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो क्या मिसयूज़ होता है, ये सब चीज़ें आपने क्या करना है, इस सेक्शन को एक क्रिटिकली एनालाइज करके नोट तैयार करना है और वो नोट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। तो अब अगर हम बात करें डाउरी डिमांड की और सेक्शन 498A ऑफ IPC की, तो डाउरी डिमांड में आपका अनलॉफुल डिमांड जो है वो भी इंक्लूडेड है, जैसे कि सेक्शन 498A के बी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। बट ये चेंज आ जाता है कि डाउरी डिमांड अलग चीज़ हो गई, बट अगर डाउरी डिमांड के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, हरासमेंट कर रहे हो महिला के साथ, तो वो क्रुएलिटी हो जाएगा। एक केस था MKK, पूरा नाम पढ़ लेना इसका, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2013 का। इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि भाई सोसाइटी का जो लोन है 10,000 रुपीज़ का, उसको चुकाने के लिए अगर डिमांड की जाती है, तो हालांकि ये डाउरी डिमांड नहीं है, दहेज की मांग नहीं की जा रही है, बट ये भी अनलॉफुल डिमांड की कैटेगरी में आती है। और इसकी डिमांड के लिए अगर क्या किया जाता है, क्रुएलिटी किया जाता है, इसकी डिमांड के लिए अगर क्या किया जाता है, महिला को हरास किया जाता है, तो ये हो जाएगा सेक्शन 498A ऑफ IPC के तहत एक अपराध। मतलब अगर ऐसा कह रहे हैं कि अपने मायके से लेके आ जाके, मुझे लोन चुकाना है, अपने मायके से लेके आ, अपने मायके से कुछ भी नहीं लाई, एक लोन नहीं चुकवा सकती तू, मतलब इस तरीके से परेशान कर रहे हैं महिला को। तो यहाँ पर लोन की डिमांड हो रही है जो कि डाउरी डिमांड नहीं है, एक अनलॉफुल डिमांड है, महिला से की जा रही है, और महिला को इस चीज़ के लिए क्या किया जा रहा है, तंग भी किया जा रहा है, तो तब सेक्शन 498A आपका अट्रैक्ट होगा। समझ में आया ये चीज़? अब यहाँ पर सेक्शन 498A के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये स्वेथा वर्सेस स्टेट 2009 के केस में बताए गए थे इंग्रेडिएंट, कि भाई सेक्शन 498 के तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पहला कि जो महिला है वो शादीशुदा होनी चाहिए, मतलब उसकी शादी हुई होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसको या तो क्रुएलिटी या फिर हरासमेंट के अधीन रखा गया होना चाहिए। तीसरा, ये जो क्रुएलिटी है या फिर हरासमेंट वगैरह है, ये या तो महिला का जो हस्बैंड है उसके द्वारा किया गया होना चाहिए, या फिर महिला के जो हस्बैंड के रिलेटिव है, यानी कि महिला के जो ससुराल वाले हैं, उनके द्वारा किया गया होना चाहिए, तो तब सेक्शन 498A लगेगा। ये सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट है सेक्शन 498A के। यहाँ पर पहला इंग्रेडिएंट जो दे रखा है ना कि महिला की शादी होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिव इन रिलेशनशिप वाली जो महिला है वो फाइल कर सकती है सेक्शन 498A ऑफ IPC का केस? तो केरला हाई कोर्ट ने ये बात हेल्ड की थी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। केरला हाई कोर्ट ने, ये केस का नाम है देख लेना, इस केस में ये बात हेल्ड की थी कि एक महिला जो कि लिव इन रिलेशनशिप में है, वो सेक्शन 498A के तहत कंप्लेंट फाइल करने के लिए एंटाइटल नहीं है, हकदार नहीं है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि अगर कोई आदमी अपनी पहली महिला के जीवित होते हुए दूसरी महिला से विवाह करता है तो ये क्या हो जाएगा, बाइगैमी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्या होता है, बाइगैमी हुआ हुआ है, महिला को नहीं पता है, तो अगर जो सेकंड वाइफ है उसके साथ क्रुएलिटी की जाती है, तो भाई क्या वो सेकंड वाइफ जो है, बिकॉज यहाँ पे जो उनकी शादी है वो वैलिड नहीं है, तो क्या जो सेकंड वाइफ है वो कंप्लेंट दर्ज कर सकती है सेक्शन 498A ऑफ IPC के तहत? तो इसका आंसर है हाँ,
वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और एक केस था रीमा अग्रवाल वर्सेज अनुपम 2004 का, इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि लीगल एंड वैलिड मैरिज होना ज़रूरी नहीं है सेक्शन 498A ऑफ IPC के तहत, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई शादी जो हुई हो वो वैलिड हो, वो लीगल हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सेक्शन 498A को अट्रैक्ट करने के लिए ये कोई इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सेक्शन 113A एंड सेक्शन 498A ऑफ IPC ये दोनों ही, ये तो आपका IPC में और ये वाला सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में 1983 में इंसर्ट किए गए थे। तो अब अगर हम बात करें सेक्शन 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो सेक्शन नंबर 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये सवाल आता है कि जो सुसाइड किसी विमेन ने कमिट किया है कि क्या उसको उस सुसाइड करने के लिए उसके हस्बैंड के द्वारा या फिर उसके हस्बैंड की जो रिलेटिव थे उन्होंने अबेट किया था, दुष्प्रेरित किया था, और अगर ये शो कर दिया जाता है कि जो उस विमेन ने सुसाइड कमिट किया है वो उसकी शादी के 7 सालों के भीतर उसने सुसाइड कमिट किया है और उसका हस्बैंड या फिर उसके हस्बैंड के जो रिलेटिव थे वो उसको क्रुएलिटी करते थे, उसके साथ हरासमेंट करते थे, उसके साथ निर्दयता करते थे, तो तब कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकेगी। मैं प्रिज्यूम मतलब कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ पर कोर्ट यह प्रिज्यूम कर सकेगी केस के अदर सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि जो विमेन ने सुसाइड कमिट किया है उस सुसाइड को कमिट करने के लिए उसके हस्बैंड ने उसको अबैट किया या फिर उसके हस्बैंड के रिलेटिव ने उसको अबैट किया। तो यहाँ पर अब बर्डन ऑफ प्रूफ लाए किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लाए होगा हस्बैंड पे या फिर उसके जो रिलेटिव हैं हस्बैंड के जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने उस विमेन को सुसाइड करने के लिए अबैट किया था। तो अब इनको प्रूव करना होगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो इस प्रिजम्पशन को उस विमेन का हस्बैंड जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है या फिर उसके हस्बैंड के जो रिलेटिव है अगर उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है तो वो इस प्रिजम्पशन को सेक्शन नंबर 113A के तहत जो प्रिजम्पशन लगाई जा रही है कोर्ट के द्वारा डिसप्रूव कर सकते हैं। और या फिर कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रिज्यूम लिखा है कि कोर्ट वो प्रिजम्पशन ना लगाकर सबूत की मांग कर सकते हैं इस तथ्य को लेकर। और इस सेक्शन में क्रुएलिटी का मतलब वही है जो कि सेक्शन नंबर 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है। एक केस था गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह 1989 का केस है। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि सेक्शन नंबर 113A रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। कहने का मतलब यह है कि ये अप्लाई होगा उन ऑफेंस के ऊपर भी जो कि कमिट किए गए हैं सेक्शन नंबर 113A के इंसर्शन से पहले। और इस केस में ये भी हेल्ड हुआ था कि जैसे ही डिसीज की अननेचुरल डेथ हुई तुरंत उसका जल्दबाजी में हानन फानन में क्या कर दिया गया, दाह संस्कार कर दिया गया। तो भाई ये चीज सफिशियंट एविडेंस है कि जो डिसीज थी उसको क्रुएलिटी की जाती थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो प्रिजम्पशन है सेक्शन नंबर 113A के तहत वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट एप्लीकेबल होती है, विमेन के अगेंस्ट एप्लीकेबल नहीं होती। अगर विमेन अपने हस्बैंड के साथ क्रुएलिटी कर रही है, उसको मेंटली हैरेस कर रही है और फिर वो सुसाइड कमिट कर लेता है तो तब सेक्शन नंबर 113A के तहत प्रिजम्पशन नहीं लगाई जाएगी विमेन के अगेंस्ट। ये बात हेल्ड हुई थी अलका अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2000 के केस में। है? ये तो गलत बात है। अब गलत बात हो या सही बात हो, जो है वो है। और जैसे कि सेक्शन में लिखा है कि कोर्ट अदर सर्कमस्टांसेस को रिगार्ड करते हुए प्रिजम्पशन लगाएगा, तो इनका मतलब यही है कि हर सर्कमस्टांसेस को कोर्ट देखेगा तभी प्रिजम्पशन वो ड्रॉ करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई विमेन है वो अपने मायके गई हुई थी और अपने हस्बैंड के घर नहीं आई और किसी डिजीज से मर गई, तो यहाँ पर ये प्रिजम्पशन नहीं लगाई जाएगी सेक्शन नंबर 113A के तहत। और जब तक कि क्रुएलिटी या फिर हरासमेंट को लेकर कोई एविडेंस नहीं दे दिया जाता है इंसिडेंट के बारे में तब तक सेक्शन नंबर 113A के तहत प्रिजम्पशन नहीं लगाई जाएगी। ये बात हेल्ड हुई थी बाबा जी चरणवारी वर्सेस स्टेट के केस में। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कोर्ट कब सेक्शन 498A का संज्ञान ले लेगी, कॉग्निजेंस ले लेगी, जुडिशियल नोटिस ले लेगी और कब
नहीं लेगी। तो इसका आंसर मिलेगा आपको सेक्शन 198A ऑफ सीआरपीसी में। इस सेक्शन में ये कहा गया है सीआरपीसी के कि भाई कोई भी कोर्ट सेक्शन 498A के तहत जो पनिशेबल ऑफेंस है उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि क्या ना हो जाए, उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट ना हो जाए, या फिर जो अग्रीव्ड पर्सन है उस ऑफेंस के, या फिर जो महिला के फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या फिर महिला के फादर के मदर के भाई हैं या फिर सिस्टर हैं, वो क्या ना कर दे, कंप्लेंट ना कर दे। या फिर कोर्ट तब भी कॉग्निजेंस ले सकती है जब क्या हो जाता है, कंप्लेंट की जाती है किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के द्वारा जो कि महिला से बाय ब्लड, मैरिज या फिर अडॉप्शन रिलेटेड है, और ये कंप्लेंट की जाएगी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो ये कहता है सेक्शन 198A ऑफ सीआरपीसी। और यहाँ पर ये जरूरी आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष अगर आपने केस फाइल किया है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी का, वो पेंडिंग में है, और ये पाया जाता है कि भाई जो एलिगेशन लगाया गया है वो जेन्युइन है, तो जो एपिलेंट है ना उसके लिए हमेशा ओपन है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 18 से लेकर 22 तक के जो प्रोविजन है उनके तहत रिलीफ की मांग कर सकती है जो एपिलेंट है, और सेक्शन 23 के तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के इंटरिम रिलीफ की भी मांग कर सकती है। ये बात हेल्ड हुई थी जे अब्दुल माजिद वर्सेस आतिफ इकबाल मंसूरी 2014 के केस में। अब यहाँ पर हस्बैंड के रिलेटिव कौन कहे जा सकते हैं विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी? तो यहाँ पर कहा गया है कि रिलेटिव के अंदर हस्बैंड के वो लोग आते हैं जो कि हस्बैंड से संबंधित हैं बाय ब्लड, बाय मैरिज या फिर अडॉप्शन। ये बात हेल्ड हुई थी विजेता जी वर्सेस स्टेट 2010 के केस में। और एक और इम्पॉर्टेंट केस है स्वेथा वर्सेस स्टेट 2009 का। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि भाई सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी के तहत हस्बैंड के रिलेटिव में कौन नहीं आता है, लाइक उसकी कोई रखेल वगैरह है या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो नहीं आती है बिकॉज वो उसके साथ बाय ब्लड या फिर बाय मैरिज कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर एक केस था अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का। इस केस में क्रुएलिटी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस वगैरह दिए थे, तो जस्ट केस का नाम पता होना चाहिए, बाकी इतने सारे डायरेक्शंस थे उन सबको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एक केस था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए थे जिससे कि सेक्शन 498A का जो मिसयूज़ है उससे बचा जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। फिर इसके बाद फिर से एक केस आया मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में जो भी पुराने डायरेक्शंस वगैरह दिए गए थे उन सबको मॉडिफाई किया गया, और यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिए गए जो कि आप पढ़ सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर। इन डायरेक्शंस को आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ये डायरेक्शंस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस केस का नाम पता होना चाहिए बस। तो यहाँ पर सेक्शन 498A हमने पूरा समझ लिया है कि है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेमेशन से संबंधित प्रोविज़न। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर देना। और टेलीग्राम पर आज जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ना उनका आंसर अपनी हैंडराइटिंग में अच्छे से नोट करना और फोटो क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर भेज देना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रिपेयर जुडिशियरी एंड APO विद जीनत। डिस्क्रिप्शन में मैंने नाम डाल दिया है, सर्च कर लेना टेलीग्राम पर और जुड़ जाना टेलीग्राम पर। हे गाइस, जिस तरीके से हमने आईपीसी का वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है एंड जैसे ही वो एंड हो जाएगा तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, ई बुक तैयार कर रहे हैं इन सारे लेक्चर्स का जो कि हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड किए हैं आईपीसी के। तो जैसे ही ई बुक तैयार हो जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी 15 अगस्त तक आपका आईपीसी का ई बुक तैयार कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को उसको परचेस करना है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो उसको परचेस कर सकते हैं। उसको परचेस करने के लिए आपने क्या करना होगा, 15 अगस्त 2020 के बाद मुझे आपको मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल करना होगा। मेरा ईमेल एड्रेस है znt70600@gmail.com, और ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है तो आप एक बार देख सकते हैं। वहां पर आपने मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें आईपीसी के नोट्स चाहिए, देन मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपने पे करना है और आपको आईपीसी का
कंप्लीट वीडियो लेक्चर का ईबुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आईपीसी के ईबुक का जो प्राइस है वो 100 रुपीज होगा, आपने 100 रुपीज मुझे पे करने होंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एविडेंस का हमने ईबुक तैयार कर ही लिया है, पूरा हो चुका है। सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 167 तक के जो नोट्स हैं हमारे वीडियो लेक्चर के, अगर आपको वो चाहिए एक ही ईबुक में, तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं, वो भी 100 रुपए में मिलेगा। और उसके लिए आपने मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें एविडेंस का ईबुक चाहिए, तब मैं आपको बता दूंगी कि इस तरीके से आपने पे करना है, एंड देन आपको ईबुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा।